हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, मेरे प्रियजनों, जीवितों के बीच में जीवित रखा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, ठीक है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के दौरान हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हम सभी को दिया है, ठीक है। इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, ऊंचे स्वर से सारी जातियों के कुल के लोगों परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, गुणवाद करो। वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता मालिक है, मेरे प्रियजन, और सबसे ऊंचा सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है, मेरे प्रियजनों। हम सभी को उस परमेश्वर की उपासना करना है, उसको दंडवत करना है, उस परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना है। परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, मेरे प्रियजनों। हम सभी को डरना घबराना नहीं है, विश्वास करना है, विश्वास करना है परमेश्वर पे, विश्वास करना है। वो परमेश्वर हम सभी के मांगने से पहले जानता है हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी की क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, वो परमेश्वर जानता है, जानता है। यीशु मसीह ने कहा है, अपने खोजियों खोजियों को मैं भली वस्तुएं क्यों ना दूंगा। यदि आप परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर के पीछे लगे हैं, तो परमेश्वर आपको भली वस्तुएं जरूर देगा, जरूर देगा। अपने खोजियों को परमेश्वर भली वस्तुएं देगा। यीशु मसीह का वचन कहता है, हर एक मनुष्य को परमेश्वर के पास आने के लिए उसे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है, वह हमारे कामों को सफल करेगा। सफल करने वाला परमेश्वर है। हम सभी को विश्वास करना है कि यीशु मसीह वह उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वह हमारे कामों को सफल करेगा। हमारे कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है। हमें विश्वास करना है, विश्वास करना है, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, उस पर विश्वास रखता है, वह श्रापित है। हमें किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, परमेश्वर का सहारा लेना है, उस पर विश्वास करना है, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से परमेश्वर पर विश्वास करना है। वो सर्वशक्तिमान है, अल्फा ओमेगा आदि और अंत है, मेरे प्रियजनों। या दुख में है, या तब किसी बात कर टूट चुके हैं, चिंतित हैं, उदास हैं, निराश हैं, बेचैन हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, यीशु मसीह से बताने की आवश्यकता है, मेरे प्रियजनों। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो हमारी आंसुओं को पोंछेगा, हमारी गरीबी को, हमारी तंगी को, हमारी परेशानी को हमारा परमेश्वर दूर करेगा। हमें विश्वास करना है, ठीक है, विश्वास करने की आवश्यकता है। वह परमेश्वर हमारे मन की बातों को, हमारी इच्छाओं की बातों को हमारा परमेश्वर जानता है। हमें विश्वास करना है, विश्वास करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है, मेरे प्रियजनों। परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी वस्तुएं देने जा रहा, कठिन और गहरी बातें बताने वाला हमारा परमेश्वर है, मेरे प्रियजनों। बस हम सभी को विश्वास करना है, पूरे हृदय, पूरे मन से, पूरे प्राण से हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मेरे प्रियों, ठीक है। यीशु मसीह जानता है। बस हम सभी को पवित्र बने रहना है, क्योंकि पाप के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध जुड़ा होता है, पाप के द्वारा टूट जाता है। जिस प्रकार से आदम और हव्वा ने पाप किया, उसी वक्त परमेश्वर ने उसे आदम वाटिका से निकाल दिया था। पाप के द्वारा परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट चुका था, टूट गया था। परंतु परमेश्वर महान है, जो हम सभी को माफ़ कर देता है, जो हम सभी को फिर से उठ खड़ा होने का अवसर देता है, संभलने का मौका देता है। इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, मेरे प्रियजनों। उस पर हम सभी को विश्वास करना है, पूरे मन से, पूरे प्राण से विश्वास करना है। जब तक हम सभी के श्वास से शरीर में जीवन है, तब तक हमें परमेश्वर पर पूरे हृदय, पूरे मन से, पूरे प्राण से विश्वास करना है। यीशु मसीह का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, छुटकारा होगा। जब तक हमारे अंदर श्वास से जीवन है, जब तक जिंदा है,
तब तक हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र के अनुसार उसको जिलाएगा, जिस प्रकार से वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रकार से वह परमेश्वर हम सभी को जिलाने वाला परमेश्वर है। मुर्दों में से जिलाएगा हमारा परमेश्वर। जब परमेश्वर अपनी महिमा अपने दूतों के साथ आएगा तब परमेश्वर अपने लोगों को जिलाएगा जो मसीह में मर चुके हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का गुणनवाद करिए, उसका धन्यवाद कीजिए। वही महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, वही स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला, अनंत काल का परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया। ठीक है, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। मेरे पिता आप महान हैं प्रभु, आप दयालु हैं पिता, आप करुणानिधि परमेश्वर प्रभु, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सभी को प्रभु जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा प्रभु। इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे प्रभु। वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, अब हम सभी का चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है पिता। प्रभु आपने कहा एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना भूलूंगा, कभी ना अनाथ छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता, जो आपने हम सभी से इतना प्रेम किया प्रभु, इतना प्रेम किया पिता कि आपने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा यीशु पापा। इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जिनके घर में पिता लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, जो दुष्ट के बंधन है, जो हर क्रधरा के बंधन है, जो जादू टोना के बंधन है, जो दुष्ट आत्माओं के, गंदी आत्माओं के, बद्रूही आत्माओं के बंधन के घरों में जकड़े हैं पिता, जकड़े हैं चारों तरफ से पिता, जो लड़ाई झगड़े के रूप में, बीमारियों के रूप में, नफरत के रूप में, गाली गलौज के रूप में, हर प्रकार के रूप में इनके घरों में, इनके जीवन में काम करें प्रभु। आपके नाम से आज से वे खड़ को खड़ कर घुड़क दी जाए पिता, फेंक दी जाए उठाकर यीशु मसीह के नाम से, वे नष्ट की जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। घोषणा करते हैं आजाद होने पर, घोषणा करते हैं आजाद हो जाए समस्याओं से, हरी गंदी दुष्टता बद्रोही आत्मन के जीवन से जाए, भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके दास होने के नाते पिता प्रभु, जो बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े पिता, रो रहे, बिलख रहे, चिल्ला, अपनी खाट अपने आंसू से भिगो रहे, परमेश्वर हम चाहते पिता ये मसीह बहन आजाद हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा जी आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाए। हर एक टाइफाइड कैंसर, मलेरिया, डेंगू बुखार जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक नाना प्रकार की बीमारियां जाए इनके शरीर से, इनके जीवन से, ये बीमारियों इनका शरीर छोड़कर चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 यीशु पापा, आपकी तारीफ करते यीशु पापा, आपकी बड़ाई करते। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, आपका वेलकम करते हैं, अपने हृदय में बुलाते हैं पवित्र आत्मा पाक रूह प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी, जिनकी शादी नहीं होती पिता, जिन भाई बहनों की पिता, जो शैतान के लगे बंधन है, जो बंद किए बंधन है यीशु मसीह के नाम से, जादू टोन के बंधन है, ब्लैक मैजिक के बंधन है, यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाए, जल जाए, जल के राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु आपकी स्तुति करते, बड़ाई करते पिता, पुत्र पवित्र आत्मा जी,
आपका वेलकम करते हैं प्रभु। इनके जीवन में पवित्र आत्मा जी आप जाइए प्रभु, इनके जीवन को, इनके मन को नया कीजिए। जिनके जीवन में, घर में पिता जो बुरी परिस्थितियां हैं, बुरी आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं, हर प्रकार के काम करें प्रभु, सच में पवित्र आत्मा जी आप इनके जीवन में जाइए प्रभु, ये आजाद हो जाएं। अबलाबा शबलाबा शिखलाबा शिबलाबा पवित्र आत्मा जी जाइए इनके जीवन में, इनके जीवन को नया कीजिए होली स्पिरिट प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका दास होने के नाते पिता, जो मसीह में रात में नहीं सो पाते प्रभु, जिन्हें डर लगता है पिता, सच में पवित्र आत्मा भय खाते हैं, गंदे सपने आते हैं, बुरे विचार आते हैं प्रभु, जो पिता रात में डरते हैं, घबराते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। यीशु पिता आपने अपने वचन के माध्यम से, आपने व्यवस्था में पवित्र शास्त्र के अनुसार हम सभी से कहा है, बातें की है प्रभु पिता, मुझे आशा है विश्वास से पिता आपने प्राण को सुना है। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन और आमीन।